हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका और स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सुबह सुबह लंच, वो भी अपने हस्बैंड के टिफ़िन के लिए। और यही लंच हमारा भी हो जाता है क्योंकि बार बार थोड़ी ना बनाना पड़ता है मुझे, लेकिन मेरे पास काम ज़्यादा हो जाता है क्योंकि सुबह सुबह ये भी करो और फिर नाश्ता भी तैयार करो, लेकिन उसके बाद सारा काम है वो अच्छे से निपट जाता है। तो मैं आज बनाने वाली हूँ पालक पनीर की सब्जी। तो जो ये पालक पनीर की रेसिपी है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यह सबसे पहले मैंने पालक को अच्छे से साफ किया, धुला, उसके बाद एक बाउल में पानी, मतलब भगोने में पानी भर के उसको उबाल लिया है। उबालने के बाद उसको ठंडे पानी से धुल दूंगी ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। और एक जार में मैंने निकाल लिया है। और इस पैन में मैंने डाला है थोड़ा सा सरसों का ऑयल, हींग और हरी मिर्ची, दो दो हरी मिर्ची ली है मैंने जिनको मैं दो टुकड़ों में काट दी हूँ। अदरक के छोटे छोटे टुकड़े काट के डाल दिए हैं। और मैं इसमें थोड़ी देर इसको भून लूँगी, उसके बाद ऐड करूँगी मैं इसमें रफली चॉप प्याज। मैं सब चीज़ें ऐसी रफली चॉप की हैं क्योंकि मुझे इनको अच्छे से भून कर गोल्डन ब्राउन होने के बाद एक पेस्ट बनाना है। तो बस प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे, जैसे प्याज हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा फिर हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, जो कि मैंने मोटे मोटे रफली कट करके रखे हैं। और फिर उसके बाद टमाटर को भी थोड़ी देर के लिए मिला के इसमें भून के पका लेंगे। प्याज टमाटर हरा मसाला एकदम अच्छे से पक चुका है, तो अब मैं इसको इसी पालक वाले जार में डाल दूंगी और ठंडा होने का वेट करूंगी। जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको पीस लेंगे मिक्सी चलाकर, क्योंकि इसका इसी का पेस्ट से ही हम पालक पनीर बना के तैयार करेंगे। तो वो ठंडा हो चुका था, मैंने इसको पीस लिया है। तो ये देखिए बारीक पीस पीस के तैयार हो चुका है। और अब मैं इसी पैन में दो चम्मच ऑयल और डालूंगी। और जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो मैं इसमें ऐड करूंगी जीरा, क्योंकि मैंने उस टाइम जीरा नहीं डाला था। जीरा ऐड करने के बाद मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी, कसूरी लाल मिर्च और तीखी वाली लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। गैस का फ्लेम एकदम लो रखना ताकि मसाले जले नहीं। इनको मिक्स कर देंगे, उसके बाद डालेंगे हम इसमें जो मैंने पेस्ट बना के रखा है वो, और इसको मिला देंगे। पहले मसाले डालने से यही होता है कि कलर अच्छा आता है, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ रहा है। और उसके बाद थोड़ा सा पानी जार में डालकर धुल के इसको डाल देंगे ताकि पतली हो जाए ग्रेवी, और फिर उसको अच्छे से खोल जाने देंगे, यानी पक जाने देंगे। पालक और मसाला ऑलरेडी पका हुआ है लेकिन इसमें पानी डाला है कच्चा, और इसको पकना ज़रूरी है, इस वजह से इसको पकाएंगे 4 से 5 मिनट तक। जब अच्छे से ये खोलने लगेगी तब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। और नमक डालने के बाद फिर थोड़ी देर बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी पनीर के क्यूब्स जो मैंने काट के रखे हैं, और हरा धनिया। उसके बाद थोड़ा सा पनीर में इसको मैश करके ऊपर डाल दूंगी गार्निश के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। खाना भूल गई, मैंने इसमें करीबन 2 चम्मच मलाई डाली है, ताजी मलाई दूध से निकाल कर। आप मलाई की जगह क्रीम भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने मलाई यूज की है। तैयार है, अपने हस्बैंड के लिए रोटियां बनाऊंगी, टिफिन लगाऊंगी, उनको स्कूल को भेजूंगी। हस्बैंड के स्कूल जाने के बाद मैंने अपने लिए सैंडविच बनाए थे, एक्चुअली उनके लिए भी बनाए थे, वो भी नाश्ते में सैंडविच करके ही गए थे। तो मैंने अपने लिए सैंडविच बनाया है नमकीन, और एक मीठा बना लिया है। मीठा मतलब मलाई और चीनी, क्योंकि मलाई मैंने निकाली थी पनीर की सब्जी में डालने के लिए, तो फिर मैंने ब्रेड में भी लगा ली है। बहुत अच्छे लगता है। तो मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, आप लोग भी कर लीजिएगा नाश्ता।
हे गाइस, आज है मंगलवार और अभी करीब 12:30 बज रहे हैं और मैं सारा काम करके अभी आई हूँ। आध्या को भी रेडी कर दिया है, आधा देखा ना जरा ना, और आध्या किस तरीके की आज चोटी कर दी है, ऑयल भी डाल दिया है बालों में, उसको थोड़ा सा काजल वगैरह लगा दिया है। एक्चुअली आध्या की आज तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज वो स्कूल नहीं गई है। आज मतलब कल ठीक थी, कल जब मैंने ब्लॉग को एंड किया था उस टाइम आधा की तबीयत ठीक थी, और रात को करीब 12 बजे के बाद ही उसको बहुत जोर से कोल्ड हुआ, जिसकी वजह से वो सांस भी नहीं ले पा रही थी, दिक्कत हो रही थी, और उसके बाद उसको बहुत जोरों का फीवर हो गया, एकदम तप रही थी। तो हालांकि दवाई रखी थी तो मैंने पिला दी थी रात में ही, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया था, लेकिन करीब रात के 1-1.5 बजे तक उसको मैं गोद में ली ही रही। पेट में भी दर्द हो रहा था, उसकी वजह से मैं उसको गोद ले भी नहीं पा रही थी, लेकिन जब बच्चा सामने रो रहा हो, तड़प रहा हो, तो माँ क्या करेगी, मजबूरी करके कुछ भी अपना दर्द बर्दाश्त करेगी, लेकिन उसको जरूर लेगी। तो मैं उसको लेकर बैठी थी और तब जाके वो गोद में सोई थी। अजय बाबू, देखो अजय, हाँ देखो ये कितने यार। यहाँ ना बाबू, एक दिन में ही चेहरा ऐसा हो जाता है, पतला सा, कुछ खा भी नहीं रही है। थोड़ी सी नमकीन खाने की इसकी इच्छा हुई थी, थोड़ी सी नमकीन दे दी थी तो वो खा ली है, लेकिन और कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है। मैं सोच रही हूँ रोटी बना लूँ जल्दी से इसके लिए, लेकिन वो मना कर रही है। तो मैं, लेकिन मेरा तो काम है ना खिलाना, मैं रोटी बनाऊंगी इसको, रोटी खिलाऊंगी ताकि थोड़ी सी एनर्जी मिले। अगर खाना ही नहीं खाएगी तो मतलब बीमारी में, जैसे कि तबीयत सही नहीं है, बुखार है, तो और हावी होगा। बीमारी से लड़ने के लिए ताकत तो चाहिए ना, इसीलिए। और कुछ फ्रूट्स वगैरह काटूंगी तो छत पे बैठ के खिलाऊंगी जाकर, क्योंकि धूप निकल आई है, थोड़ा सा धूप में बैठेगी तो अच्छा लगेगा। और मैंने अपना ये गोल्ड का फिर से पहन लिया, क्योंकि मुझे कुछ सूट नहीं कर रहा था, इसलिए फिर प्रॉपर वही में आ गई। और ये हमारा पहनाया जाता है, जैसा मंगलसूत्र होता है वैसे इसको बीजा सेन बोलते हैं हमारे यहाँ, इसको जरूर पहनाया जाता है, तो ये हमेशा मैं पहने रहती हूँ। तो ये फिर से डाल लिया है, अच्छा भी लगता है मुझको। तो ये है, और चलिए अब रोटी बनाएंगे अपने लिए। हस्बैंड स्कूल चले गए हैं, मैंने उनको उनके लिए पालक पनीर सब्जी बनाई थी, वो पैक करके दे दी, रोटी भी दे दी है, चाय नाश्ता सब कुछ करवा दिया था उनको। तो वो गए हैं, शाम को आएंगे तो दवाई लेने जाएंगे। और अभी चलते हैं किचन में और करते हैं रोटी, बनाते हैं, आधे को खिलाते हैं, है ना। शाम को दवाई लेने जाएंगे, इनको भी दिखाना है, मुझे भी दिखाना है, तो दोनों लोग जाएंगे दवाई लेने, है ना दिया। सो गाइज, अभी आधे को खाना खिला दिया है और उसके बाद इसको यहाँ पे लिटा दिया है मैंने, क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है अभी भी, तो बस थोड़ी देर इसको सुला दूंगी। सुलाने से क्या होता है कि नींद आ जाएगी, तो नींद में थोड़ा आराम मिलेगा, बॉडी को रिलैक्स मिलेगा फीवर में। तो मैंने कम्बल भी डाल दिया है इसके पे, मैंने भी ओढ़ के बैठ गई वैसे, तो मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है। अच्छा है ना, जब आपका बच्चा बीमार हो तो नहीं लगता है अच्छा, तो वैसे ही कोई फीलिंग्स आ रही है। आज मैंने काजल लगा लिया है तो कैसा लग रहा है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों मन नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि अब कल भी धूप निकली थी, परसों भी निकली थी और आज भी निकली है, तो ऐसा लग रहा है कि अब बड़े दिन होने लगे, थोड़े थोड़े से बढ़ने लगे, बढ़ गए ना दिन, तो दिन कटते नहीं है, ऐसा फील होता है। बोर भी होती हूँ क्योंकि कहीं जा भी नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ मायके की बहुत याद आती है कि घर चली जाऊं। अब ऐसा लगता है कोई और बना के खिला दे तो बस मैं खाऊं, खुद से खाने का मन नहीं, बना के खाने का मन नहीं होता है, लेकिन
खाने के लिए बनाना पड़ता है। कभी कभी मेरे हस्बैंड मेरे लिए बना देते हैं। इस बात का तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा मतलब बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे ऐसे पति मिले हैं कि वो मुझे खुद बना के खिला भी देते हैं, केयर करते हैं। मतलब जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन कपड़े भी धुल देते हैं सारे, हालांकि वॉशिंग मशीन में ही धुलते हैं, लेकिन मेरा ऑलमोस्ट हाफ काम तो वो निपटा ही देते हैं। बाबा ये लो। तो वो है, तो हूँ मैं बहुत किस्मत वाली कि मुझे ऐसे पति मिले हैं। और ये भी ज्यादा मुझे परेशान नहीं करती है। आज बोल रही थी मुझे स्कूल जाना है, मम्मी स्कूल नहीं भेजोगी? तो मैंने बोला बेटा आज नहीं जाओ, तुम बुखार है तो वहां पर रोगी क्या फायदा, शाम को जाएंगे इसको दिखाने। अभी दवाई वाई दे रही थी इसलिए ठीक है, लेकिन दिखाएंगे जाके। तो जब देखो पापा मेरे इसके डैडी आ जाएंगे 4 बजे, उसके बाद जाएंगे। तो मैं मुझे भी दिखाना है अपने आप को क्यों क्यों पेन हो रहा है हल्का हल्का। अभी आज नहीं हो रहा है, 2 दिन हुआ था मुझे अचानक से पेन, अब ठीक लग रहा है। तो ये बीमार हो गई, वही है। तो चलिए थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। मैंने अभी खाना नहीं खाया है क्योंकि मेरी इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे मीठा खाने का बहुत मन कर रहा था तो मैंने लड्डू खा लिया है, तो वही है। और सुबह सैंडविच बनाए थे वो खाए थे, तो पेट अभी भरा हुआ है। और अभी 2 बज रहे हैं और खाने की अभी इच्छा नहीं है। हाँ देखते हैं, आधा 1 घंटा बाद अगर मन हुआ तो मैं रोटी बना के खाऊंगी या फिर कोई फ्रूट्स वगैरह खा लूंगी। तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और कपड़े भी बहुत सारे प्रेस करने, तो हो सकता है कि फिर मैं कपड़े भी प्रेस करूं। अभी करीब 6:30 से ऊपर ही, करीब 7 करीब बज रहा होगा शाम के। और मैं यहाँ पे सॉक्स पहन रही हूँ, सूट चेंज कर लिया है और हम लोग जा रहे हैं दवाई लेने के लिए आद्या की। साथ ही साथ मैं अपने डॉक्टर को भी दिखा के आऊंगी क्योंकि मुझे भी पेन रहता है थोड़ा थोड़ा, ज्यादा कुछ नहीं। हालांकि 2 दिन बहुत ज्यादा दिक्कत रही है और आज वाले दिन बिल्कुल भी नहीं रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि दिखाना जरूरी है, तो जाएंगे आज। खुद को भी दिखाऊंगी और आद्या को भी दिखा के आऊंगी, नहीं तो वो रात में फिर उसको जुकाम से परेशानी होगी। गुड मॉर्निंग, आज है वेडनेसडे और अभी टाइम हो रहा है 10:30 और आद्या गई है स्कूल। आज उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक है, ये रखी है बेबी रब जो कि आद्या को लगा देती थी यहाँ पर और यहाँ पर सीने पे, जिससे उसको थोड़ा सा रिलीफ मिले। और बुखार भी ठीक है अब उसका, कल दवाई गए थे लेने, आराम है। और वह खुद से बोल रही थी मुझे स्कूल जाना है, तो उसको स्कूल उसके पापा छोड़ ले गए थे, तो उधर से वो भी निकल गए थे अपने स्कूल के लिए। तो आद्या गई है स्कूल पढ़ने, कल गई थी मैं डॉक्टर को दिखाने। जो मैं डॉक्टर को दिखाने जब गई थी तो पहले मैंने अपनी डॉक्टर के पास गई, तो वो बहुत बिजी थी ऑपरेशन में किसी, तो इस वजह से भी हम लोग वहाँ से निकल के आद्या के डॉक्टर के पास गए। तो आद्या को दिखाया और आद्या के पापा ने भी अपने लिए दवाई ली। और आद्या को दिखाने के बाद काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे मरीज थे, इस वजह से फिर वापस लौट के हम मैं अपने डॉक्टर के यहाँ पर गई। तो करीब 8 बज चुके थे रात के, तो उनका टाइम भी 8 बजे का हो गया था, लेकिन वो बहुत बिजी थी, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह ही ओनली देख रही थी। और शायद उन्होंने फिर बहुत लेट देखा होगा, करीब 10 बजे करीब, लेकिन हम लोग 9 बजे तक वहाँ रुके और फाइनली फिर नहीं हो पाया, मतलब डॉक्टर से टाइम नहीं मिल पाया और वो किसी ऑपरेशन में ही बिजी रही, इस वजह से हम लोग वापस चले आए। तो काफ़ी लेट लौटे थे, 9 बज गए थे जब हम लोग घर आए थे। फिर आकर चेंज वगैरह किया, खाना वगैरह बनाया, तो फिर मन नहीं किया बिल्कुल भी कि मैं कैमरा उठाऊं आप लोगों से बात करूं, तो इसलिए मैंने आज सुबह आप लोगों से बात करनी जरूरी समझी। तो लेकिन मुझे ठीक है, आराम है, मुझे कोई अब दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है और फीलिंग बेटर। और आद्या भी ठीक है, लेकिन हाँ एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाऊंगी जाके, क्योंकि वो टाइम भी आ रहा है कि जब मैं हर मंथली जाकर डॉक्टर को दिखाती हूँ, तो कुछ दिन बाद जाऊंगी दिखाने। तो अभी तो ठीक है और आद्या भी ठीक है, तो बस मैंने सोचा ये अपडेट आप लोगों को दे देनी चाहिए, तो मैंने आगे कंटिन्यू कर लिया है ब्लॉग। तो और आज बुधवार है, बहुत से लोग आज बसंत पंचमी मना रहे हैं, बहुत से लोग कल, तो मैं कल मनाऊंगी बसंत पंचमी, कल होगी बसंत पंचमी की पूजा।
तो जो लोग आज मना रहे हैं उनको बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं, और जो कल मना रहे हैं उनको भी। तो चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।